आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ।

देन है कार्बन आइटम जो कि ट्रिपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन आइटम से बॉन्डेड है एनी नेक्स्ट कार्बन आइटम इस तरह से सी एच है जो कि डबल बॉन्डेड है टू नेक्स्ट सी एच टू तो इस तरह से ये हम चेन ड्रॉ कर सकते हैं ये कितने कार्बन आइटम की चेन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी सिक्स कार्बन आइटम की चेन है बस हमने इस चेन को जो गिवन चेन है इसे स्ट्रेट चेन के फॉर्म में लिख दिया है ये स्ट्रेट चेन ही है बस बेंड किया हुआ है अब हम इस चेन का या स्ट्रक्चर का आई पैक नेम डिटरमाइन करेंगे आई पैक नेम डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो कि होता है उस कंपाउंड का पेरेंट चेन तो यहाँ पर एक ही कार्बन चेन हमें गिवन है तो यही है इस कंपाउंड के लिए पेरेंट चेन उसके बाद हमें देखना होता है कि पेरेंट चेन से कौन कौन से ग्रुप्स बॉन्डेड है यहाँ पर कोई ग्रुप तो बॉन्डेड नहीं है बट यहाँ पर है एक ट्रिपल बॉन्ड एंड है एक डबल बॉन्ड अब हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो वो होता है अलकाइन इसी तरह अगर कार्बन 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 डबल बॉन्ड हुआ किसी भी कंपाउंड में तो उसे कहेंगे अल्कीन अब यहां पर अल्कीन एंड अल्काइन में से हायर प्रायोरिटी मिलती है अल्कीन को अल्कीन इज गिवन हायर प्रायोरिटी अब नंबरिंग के अंदर अगर अल्किन को हायर प्रायोरिटी मिल रही है तो हमें नंबर करना होता है पेरेंट चेन को अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल अब लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर नंबर करना है तो लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को तो हम नंबर अगर पेरेंट चेन को यहाँ से करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से तभी लोएस्ट लोकेंट मिलेगा यहाँ डबल बॉन्ड को वन लोकेंट मिल गया अगर यहां से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो फिफ्थ लोकेंट मिलता है यहाँ पर डबल बॉन्ड को हमने यहाँ से किया तो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिल गया इस तरह से हमने पेरेंट चेन को नंबर कर दिया है अब यहाँ पेरेंट चेन के अंदर सिक्स कार्बन आइटम्स है सिक्स कार्बन आइटम के पेरेंट चेन का नेम होता है हेक्स अब हेक्स के बाद हमें लिखना है हाइड्रोकार्बन नेम तो यहाँ पर अल्काइन का जो सफिक्स यूज किया जाता है दैट इज एंड का किया जाता है in, अब इन अब इनमें से पहले सफिक्स को लिखा जाएगा लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो ई पहले आता है तो इन को पहले लिखा जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे हेक्स के बाद लिखेंगे ईन तो इन के लिए जो डबल बॉन्ड का लोकेंट है वो लिखना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हेक्स वन इन इसके बाद लोकेंट आएगा ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दैट इज थ्री यहाँ पर आ जाएगा थ्री आइन अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमने टू हाइड्रोकार्बन के सफिक्स लिख दिए आइन एन इन बट जो लास्ट वाला हाइड्रोकार्बन का सफिक्स होता है सिर्फ उसमें लास्ट वाला ई आता है इससे जो पहले लिखा जाएगा उसमें नहीं आता तो यहाँ पर हमें इन का ये ड्रॉप करके यहाँ पर सिर्फ ई लिखना होता है तो जो करेक्ट आयु पैक नेम है फॉर दी गिवन स्ट्रक्चर इट इज हेक्स वन इन थ्री आइन हेक्स वन इन तो यहाँ पर ये सारे जो हमारे पास गिवेन है ये तो इन करेक्ट है ये लोकन इन करेक्ट गिवेन है एंड यहाँ में यहाँ पर एल्फोमेटिकल ऑर्डर में नहीं लगाया गया है करेक्ट डी थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर